तो दोस्तों आज का भाई लेकर के एक बार फिर से बहुत ही कमाल का ट्रेंडिंग टॉपिक पर लेकर के जो गैस बहुत ही कमाल का और बहुत ही नेस्टेबल होने वाला जो कि अभी आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। सो गाइस इस प्रीव्यू के लिए आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस आपका भाई इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग और नेस्टेबल वीडियो आप लोगों के लिए सिखाता रहता है। तो दोस्तों इस प्रीव्यू को लाइक कर दीजिएगा और सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा सारा आपको स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ, तो बने वीडियो में एंड तक। तो अभी आपने जो प्रीव्यू देखा है गाइस, इस प्रीव्यू को बनाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए आपको कभी कैसन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है गाइस अलाइट मोशन, या आपको प्ले स्टोर का बहुत ही सनेस। एंड गाइस आप एक बार मेरे टेलीग्राम से विजिट कीजिएगा, वहां पर मैंने पिंक के रखा है। एंड गाइस में जितने मटेरियल यूज होंगे जैसे सॉन्ग बीट मार्क का पिछड़ XML फाइल सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हमारी मटेरियल जैसे सॉन्ग बीट मार्क किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है डाउनलोड करने में, उससे इंपोर्ट करने में, तो आपको उसी के नीचे एक लिंक देखने मिल जाएगा कैसे आप हमारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और गाइस कैसे कैसे क्रिएट करना है, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, लेट्स गो। तो सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग को जो वीडियो है कैसी लगी, क्योंकि ऐसे ये न्यू कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को क्रिएट किया गया था। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो वीडियो आपने देखा है जो कि न्यू ईयर के ऊपर बहुत ही कमाल का वीडियो क्रिएट किया गया था। एंड गाइस आप अपना फोटो या फिर किसी का लगा कर इस प्रकार की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर लाइट मोशन को ओपन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको सॉन्ग बीट मार्क कर फिर इस प्रकार से पिक्चर देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। सो गाइस इंपोर्ट करने के बाद उसके आएगा जो प्रोसेस है सर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले बीट मार्क ओपन करेंगे। एंड गाइस यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। सो गाइस सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और गाइस यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड है फोटो का आपको उसको रिमूव कर लेना होगा, ठीक है। फोटो का गाइस जो बैकग्राउंड उसको रिमूव कर लेना होगा, तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को इस प्रकार से रिमूव करके रखा है, जो कि आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है remove.bg। यहाँ पर जाने के बाद आपको बैकग्राउंड किसी को रिमूव कर लेना कुछ इस प्रकार से, ओके। एंड गाइस बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करना है और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से कर देना होगा कुछ इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस जो आपका ये नेक्स्ट बीट है इस बीट तक आपको करना है और इसको इस प्रकार से मिला के छोड़ देना होगा, ठीक है। एंड गाइस मिला के छोड़ देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको प्लस पे क्लिक करना है। एंड गाइस मीडिया पे जाना है, ऐसे आप मीडिया पर जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का, गाइस यहाँ पर जो है ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। एंड गाइस डाउनलोड करने के बाद इसको जो इस पर क्लिक कर देना है वीडियो पर, यहाँ पर आपको इफेक्ट पे जाना है, एडिट इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर गाइस क्रोमा की को सिलेक्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ग्रीन पर सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर एक बार फिर से ग्रीन को सिलेक्ट कर लेना है और इसका जो जो थर्ड वाला है इसको आपको इस प्रकार से बढ़ा देना होगा आगे, ताकि इसका जो बैकग्राउंड ग्रीन है वो अच्छे से हट जाए, ठीक है। एंड गाइस इतना आपको करने के बाद ये आपका जो स्टेटम देखने को मिलेगा सिंपली गाइस ये यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसको इस प्रकार से नेक्स्ट जो पार्ट इसको इस प्रकार से कट कर लेना है। एंड गाइस कट करने के बाद सबसे पहले स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है इस प्रकार से, जैसे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह से करना होगा। सो गाइस यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है कुछ इस प्रकार से, आपको यहाँ पर इसको लाके इस तरह से छोड़ देना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर छोड़ने के बाद सिंपली जो आपका ये वीडियो ये जो आपका क्लिप है सिंपली इसको आपको बड़ा करना है, तो कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। और गाइस जो आपका ये फोटो आप इसमें ऐड करेंगे इसको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस तरह से कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब गाइस ये इस तरह से हो जाएगा। अब गाइस इस तरह से हो जाने के बाद अभी इसमें इफेक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। तो बैक करके सही इफेक्ट में आ जाना है कुछ इस प्रकार से। एंड गाइस जो आपका पहला इफेक्ट दिखा दे रहा है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक कॉपी इफेक्ट कर लेना है और आपका जो बीट मार्क है सिंपली इसको ओपन कर देना है। एंड गाइस इसको ओपन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस प्रकार से इसको पेस्ट कर देना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस ये इस प्रकार से हो जाएगा और स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन जो है इस पर भी आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको पेस्ट कर देना है। अब गाइस कलर चेंजिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा यहाँ पर 2022 वाले पर, इस पर क्लिक करके HU को कॉपी कर लेना है इस प्रकार से।
और यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। इस पर कॉपी करने के बाद सिंपली आपका जो पंख वाला है इस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। ये कुछ इस प्रकार से आपका ये पेस्ट हो जाएगा और ये बहुत ही कमाल का लग रहा है। अभी गाइस यहाँ पर वीडियो क्लिप वगैरह भी ऐड करने हैं तो बने रही वीडियो में एंड तक। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको आगे जाना है एंड गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हैप्पी न्यू ईयर के कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको फोटो ऐड करना है जो सर्कल है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ पर आपको 9 to 16 का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको आपको फोटो पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर फोटो को इंपोर्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने बहुत सारे फोटो 9 to 16 का रजिस्ट्रेशन फोटो क्रिएट किया था तो यहाँ पर मैं किसी फोटो को यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सबको बहुत सारे फोटो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस फोटो को लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ। तो ऐसे इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। फिर आपको बैक कर लेना है। गाइस आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो एनिमेशन है ये तैयार हो गया है। अब गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले वीडियो क्लिप ऐड करना होगा, एक और प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर नाम पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आपको सर गाइस वीडियो में ढूंढ लेना आपके डाउनलोड फोल्डर में आएगा, मेरा भी डाउनलोड फोल्डर में ही है। इस पर हम क्लिक करेंगे एंड गाइस पर क्लिक करने के बाद आपका जो इसका वॉल्यूम है इसको इस प्रकार से 0 पे इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। एंड गाइस 0 पे करने के बाद स्क्रॉल करके आपको इसको नीचे लाना है। गाइस इसको आपको ध्यान रखना है, सबसे नीचे आपको रखना है, ठीक है। तो गाइस इसको स्क्रॉल करके इस प्रकार से रख लेना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है। तो गाइस स्क्रॉल करना है इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको इतना जो ग्रीन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे आपका लगेगा, ठीक है। ये जो ग्रीन स्क्रीन की इस प्रकार से नीचे लगेगा जो कि बहुत ही कमाल का देखने को लग रहा है, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट साथ इस वीडियो को क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको आगे जाना होगा एंड गाइस ये जो आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली गाइस ये जो एनिमेशन है ये आपका कहाँ तक ऐड होगा वो आप भी देख लीजिए, ठीक है। तो गाइस ये जो एनिमेशन है हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ तक ऐड होगा, फिर यहाँ से आपको इस प्रकार से जो इसका पार्ट है इस प्रकार से कट कर देना होगा, ठीक है। अभी नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको गाइस यहाँ पर जो ये कट कट का निशान बना हुआ है जो ग्रीन स्क्रीन आपका वीडियो क्लिप है ये वीडियो क्लिप आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। गाइस ये यहाँ तक आपको बढ़ा देना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कहाँ पर है ग्रीन स्क्रीन, तो ये हमारा ये है तो आपको यहाँ तक इसको इस प्रकार से आपका यहाँ तक इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ तक इसको इस प्रकार से बढ़ा लेना है 7 सेकेंड तक। तो ये गाइस कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर जो ये आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो आप अकाउंट रिमूव किए रहेंगे वो वाला यहाँ पर इमेजेस ऐड होंगे, तो प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और यहाँ पर गाइस जिससे भी आप रिमूव करेंगे जैसे गूगल से करेंगे तो आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपका जो यहाँ पर मैंने फोटो रूम से किया था फोटो रूम को हम ओपन कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। गाइस यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है सिंपली ये कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और इसको इस तरह से छोटा कर देना होगा कुछ इस प्रकार से जिससे मैं यहाँ पर करूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ये छोटा हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बिट पर जाना है, बच्चों आपको कट कट कर देना है, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और गाइस यहाँ पर आपको सेकेंड कोई फोटो आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर फोटो को हम ले लेंगे, यहाँ पर जैसे हमारे जिस फोटो को भी ले लेते हैं और नेक्स्ट बिट पर आने के बाद बच्चों आपको इस प्रकार से कट कर देना है। अब गाइस यहाँ पर ये जो फोटो है यहाँ से जो छोटे छोटे बिट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक ये वाला भी अटैच होगा, ठीक है। सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और यहाँ पर गाइस हम फोटो इस प्रकार से अटैच करेंगे, मोबाइल टच में जाने के बाद इसको इस प्रकार से छोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब करने से बीटे बच्चों भाव को इस प्रकार से कट कर देंगे। अब गाइस कट करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट कौन से लगाने तो बैक करके सेक इफेक्ट में आ जाना है। गाइस यहाँ पर जो ये सेकेंड इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा कुछ इस प्रकार से और कॉपी इफेक्ट कर लेना है इस प्रकार से पैक करके आपको बीट बीट मार्क को ओपन कर देना है। एंड गाइस इसको ओपन करने के बाद सिंपली आपका जो ये गाइस दिखाई दे रहा है फोटो इस फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। अब गाइस ये वाला जो इफेक्ट है यहाँ से ले करके यहाँ पर जो एनिमेशन यहाँ तक लॉन्ग बीट है आपका यहाँ तक ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे बहुत ही कमाल के एनिमेशन से क्रिएट किया गया है ये गाइस कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। फिर आपका इस आगे जाना है और आगे जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको फोटोस जो यहाँ पर जो एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं जो ये क्रिएट किए गए एनिमेशन यहाँ पर फोटो अटैच करना है। तो गाइस यहाँ पर फोटो अटैच करने के लिए 9 to 16 का रिजन फोटो आपको क्रिएट करके रख लेना होगा। तो कम से कम गाइस जो 9 to 16 का रिजन फोटो है वो गाइस साइज ये है इस प्रकार से, ठीक है। तो कम से कम आपको 10 से 15 फोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सर्कल पर इस प्रकार से कॉपी कर लेंगे। अब गाइस ये जो आपका बीच बीच में जितने बिट दिखाई दे रहे हैं सभी पर आपका ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस कॉपी पेस्ट हो जाने के बाद आपका जो ये वाला एनिमेशन दिखाई दे रहा है इसके पहले आपको आना है और यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है और बीच में जितने भी दिखाई दे रहे हैं सभी पर आपको पेस्ट कर देना है। आपका इस पर फोटो कैसे लगेगा सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा, कलर पे क्लिक करना है, 9 to 16 का जो रिजन अपने फोटो जिससे भी किया होगा या फिर लाइटरूम रूम से या फिर आपका जो है पिक्सल लैब से तो आपको इस प्रकार से ओपन कर देना है और यहाँ पर फोटो को अटैच कर देना होगा और यहाँ पर इसको अटैच कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे फोटो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रकार से एनिमेशन को ऐड कर देना होगा और इसके
बैकग्राउंड में कुछ प्रकार से इमेजेस को ऐड करना है, जो कि यहाँ पर ये जो आपका ये ब्लू कलर का मार्क है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कलर पर क्लिक कर देना है। इसके बैकग्राउंड में आप कोई भी फोटो इस प्रकार से अटैच कर सकते हैं, बहुत सारे फोटो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने इस प्रकार से बैकग्राउंड में फोटो अटैच कर लिया, अब गाइस जो आपका इन्फॉर्मेशन बताया था मैं कि यहाँ से लेकर के पूरा ये लास्ट तक अटैच होगा उसको अटैच कर लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर जो फ्लैश बिलिंग के साथ कर रहा है इस पर भी आपको प्लस पे क्लिक करना है, कर्व पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर गाइस बहुत सारे फोटो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी फोटो को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस प्लस पे क्लिक कर लेना है आपको और इस कुछ इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। एंड गाइस आपको इस प्रकार से ऐड करने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे जाना होगा, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर इस एनिमेशन के बाद यहाँ पर सिंपली अब गाइस फोटो का ही सिर्फ काम है, तो प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से फोटो को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से लेकर के आपको बता दूँ कि जहाँ तक येलो कलर का मार्क किया जाता है लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ तक आपको फोटो को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने फोटो को अटैच कर लिया। अब गाइस पर ये फेड कौन सा लगेगा, तो सिंपली गाइस हम आपको क्या करना होगा, बैक करके सेकी फेड में आ जाना है और गाइस यहाँ पर आपको जो येलो एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, कॉपी फेड कर लेना है और आपका जो बीट मार्क है सिंपली इसको ओपन कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। गाइस आगे जाने के बाद जब आपका ये वाला एनिमेशन के बाद आपका एनिमेशन स्टार्ट होता है सिंपली इस पर क्लिक करके इसी फेड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और बीच में यहाँ पर जितने भी आपको बीट दिखाई दे रहे हैं सही पर आपको फोटो अटैच करना है और यहाँ पर इसी इफेक्ट को पेस्ट करते जाना है। अब गाइस हमारा जो येलो कलर का मार्क हमने लगाया था यहाँ तक था, ठीक है, इसके बाद हमारा इफेक्ट चेंज हो जाएगा। सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, आप कोई फोटो अटैच कर सकते हैं। तो आप इस फोटो को अटैच कर लेते हैं, नेक्स्ट बीट को बचो भाग इस प्रकार से कट कर देते हैं और यहाँ पर गाइस सेकंड कोई फोटो और भी अटैच कर लेते हैं और ये गाइस कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस प्रकार से आपका बीच में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो बीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बैक करके सेकंड इफेक्ट में आते हैं और गाइस हमारा जो है ये वाला एनिमेशन के बाद जो ये वाला इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करके कॉपी फेड कर लेंगे और आपका जो बीट मार्क है इसको इजीली ओपन कर देना है। एंड गाइस ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे जाना होगा और यहाँ पर गाइस जो इस वाला एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के ये जो दोनों बीट आपको दिखाई दे रहे हैं सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप गाइस नेक्स्ट जो भी आपको बीट यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है और गाइस नेक्स्ट बीट पर आने के बाद इस प्रकार से फोटो को अटैच कर देना। आप यहाँ पर कोई फोटो अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर हमने गलती से ऐड कर दिया था, मैं दूसरा भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये कुछ प्रकार से ऐड हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर एनिमेशन कौन सा लगेगा तो बैक करके सेकी फेड में आ जाते हैं और गाइस जो आपको ये वाला एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर लेना और कॉपी फेड इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। गाइस इफेक्ट में आने के बाद इसको कॉपी फेड कर लेना और आपका जो बीट मार्क है सिंपली इसको आपको ओपन कर लेना है। एंड गाइस ओपन करने के बाद आपका जो बीट मार्क है गाइस आपको उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है इस एनिमेशन के बाद ये वाला जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है फोटो पे क्लिक करके इसी फेड को यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस हम इस प्रकार से इसको डिलीट कर दे जो कि स्टार ऐड हो गया था। अब गाइस आपका जो ये लास्ट बीट है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना होगा और यहाँ से लेकर जो लास्ट तक आपको बीट दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये लास्ट वाला इफेक्ट ऐड होगा जो कि आपको सेकी फेड में यहाँ पर लास्ट में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। अब गाइस सारा वीडियो कम्प्लीट हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट भी करना हो तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है गाइस ऊपर में आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहां पर गाइस क्लिक करने के बाद इसको बहुत अच्छे से अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं।